भारत संचार निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उद्यम व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए अभिनंदन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विवेक जायसवाल मुख्य महाप्रबंधक हिमाचल प्रदेश ने की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभी तक उनके पास 4G सेवा नहीं थी, लेकिन इस साल से 4G सेवा सभी के लिए शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ाकर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं BSNL ने अपने प्लान लोगों के लिए सस्ते कर दिए हैं। इन लोगों ने उद्घाटन आज जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे वो कर्मचारी जिन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंटरप्राइज बिजनेस में, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम है। आज हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। ये इससे ज़रूरी है कि हमारे जो एम्प्लॉय उनका मनोबल बढ़ा रहे, वो हमारे कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकें, जिससे कस्टमर्स का फ़ायदा हो और BSNL की सेवाओं का भी विस्तार किया जा सके। सर्वप्रथम मैं अपने सभी सम्मानीय ग्राहकों को हिमाचल प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम विवेक जायसवाल है, मैं यहां पे चीफ जनरल मैनेजर हूं। मेरे साथ हमारी पूरी टॉप मैनेजमेंट की टीम है जो कि हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। हमारे जो उद्देश्य है वो यह है कि हम अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें और एक अफोर्डेबल रेट पर प्रोवाइड कर सकें। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने बिना किसी विशेष वजह के रेट बढ़ा दिए मोबाइल सर्विसेज के, जबकि भारत संचार निगम लिमिटेड ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य है कि हम उनको एक सही सेवा दे सकें, क्वालिटी की सेवा दे सकें और अफोर्डेबल प्राइजेस पे हो। इसके लिए हम लोग, मैं शुरुआत करूंगा हमारे मोबाइल सर्विसेज से। अभी तक हमारे पास में 4G सर्विसेज पिछले साल तक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस साल से हम लोगों ने 4G सर्विसेज जो कि भारत में निर्मित तकनीक के द्वारा दी जा रही है, पूर्णतः स्वदेशी है, उसके द्वारा हमने 4G सर्विसेज शुरू की है। टोटल जो है हमने जो साइट्स प्लान किए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश को कवर करने के लिए वो 1245 हैं। लगभग 700 के लगभग हम टावर्स जो हैं या साइट्स हमारी ऑन एयर हो चुकी हैं। जो बची साइट्स हैं उसमें अधिकतर हम लोग सितंबर तक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ साइट हो सकता है दिसंबर तक जाएं। इस 4G सर्विसेज की खासियत यह है कि ये 5G रेडी है। मतलब यह है कि जब हमें 5G लॉन्च करना होगा, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत सरकार के द्वारा BSNL को मैंडेट है कि 4G 5G दोनों सर्विसेज लॉन्च की जाएगी। 4G सर्विसेज तो हमने इस साल में करने की प्लान कर रहे हैं और 5G सर्विसेज भी हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू में प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए अलग से हमें हार्डवेयर एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से और थोड़ा बहुत हार्डवेयर एडिशन से हम उसको 5G सर्विसेज के लिए ये अपग्रेड हो सकता है और इसको हम लॉन्च करेंगे। स्पेक्ट्रम भारत संचार निगम लिमिटेड को भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। भारत सरकार ने जो पैकेज BSNL को दिया है ये उसका एक पार्ट है। तो इन सभी कार्यों से या जो सरकार के द्वारा हमें मदद मिली हुई है और जो हमारे मैनेजमेंट का टॉप मैनेजमेंट का प्लान है कि हम लोग 4G और 5G दोनों सर्विसेज ला सकते हैं, देंगे, और हम दूसरे कॉम्पिटिटर के कंपेरेबल सर्विसेज देंगे और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में देंगे। इसके अलावा हमारा जो कंज्यूमर फिक्स सेगमेंट है जिसको हम CFA कहते हैं, उसमें हम लोग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे रहे हैं, जिसको कि हमारा भारत फाइबर के नाम से हम लोग देते हैं। ये हाई स्पीड इंटरनेट है जिसमें 300 MBPS की स्पीड दी जा रही है। इसको भविष्य में 1 GBPS तक करने का भी प्लान है। अभी हमारे पास जो नंबर्स हैं, लगभग 72,000 कस्टमर्स हमारे काम कर रहे हैं। इस साल हम लोगों ने प्लान किया है कि ये संख्या बढ़ा के 1.3 लाख की जाएगी और हमारे सभी एम्प्लॉयज पे काम कर रहे हैं। इसके साथ में एक चीज़ और हम देते हैं कि हम अपनी जो लोकल इंटरप्रेन्योर है उनको हमारे साथ में पार्टनरशिप का मौका देते हैं, इससे वो भी ग्रो करते हैं, हमें भी सपोर्ट मिलता है
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि लोकल व्यक्ति उसको सर्विसेज दे रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि खासतौर पे हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा विदित है कि जो दूर दराज के एरिए में वही व्यक्ति वही पार्टनर टिक पाता है जो वहाँ का लोकल है, उसके लोकल कॉन्टैक्ट भी होते हैं और वह सर्विसेज अच्छी देता है। तीसरी जो सेगमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं वो है इंटरप्राइज बिजनेस, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आज का हम ये फंक्शन कर रहे हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने लास्ट ईयर हमारा टारगेट 65 करोड़ था और हमने 77 करोड़ अचीव किया है। हमने सर्किट्स भी ज़्यादा दिए हैं, हम हर सेगमेंट में ज़्यादा हैं। इस साल हमें जो टारगेट है लगभग 85 करोड़ का दिया गया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस इंटरप्राइज बिजनेस में करेंगे। और साथ में जो हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग के जो एफर्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि हमारे प्राइसेस अफोर्डेबल हैं। अभी रिसेंट प्राइस, पहले भी हमारे प्राइसेस कम ही थे हमारे कॉम्पिटिटर से, लेकिन अभी जब उनके द्वारा बढ़ाया गया और हमारे द्वारा प्राइसेस को नहीं बढ़ाया गया है, तो यह जो गैप है लगभग 45% हो चुका है। मतलब हमारे जो प्राइसेस हैं हमारे कॉम्पिटिटर लगभग 45%, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है डिफरेंट प्लान टू प्लान वाइज, लेकिन इतना वेरिएशन है, इतने हमारे प्राइसेस कम है। साथ में हम लोग जो मेन चीज ध्यान दे रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज का अप्रोच को हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से वो कस्टमर को सही ढंग से ट्रीट कर सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जो उद्देश्य हमारा है कि हम कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दें, उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और लगातार उन पर हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं कि सर्विसेज उनको कस्टमर को अच्छी देंगे। हमारे जो कस्टमर सर्विस सेंटर है उनको हम रिनोवेट कर रहे हैं, उनको एक मॉडर्न कस्टमर सर्विस सेंटर की तरह बनाया जा रहा है। हमारे पास में 47 कस्टमर सर्विस सेंटर पे हम लोग आधार सर्विसेज भी शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट 3 महीने में। उससे फायदा ये होगा कि जो दूर दराज में BSNL की जो पहुंच है और जहाँ पे कस्टमर सर्विस सेंटर काम करते हैं, उन लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो आधार रिलेटेड सर्विसेज भी हमारे यहाँ ले सकते हैं। और उसके आधार के साथ में जब पब्लिक हमारे पास में आती है तो हमारी सेवाओं को देख सकती है, हमारे एफर्ट्स को देख सकती है, और उससे एक BSNL का भी फायदा है और पब्लिक का भी फायदा है। तो ये सब चीज़ें करने के साथ में उम्मीद करता हूँ कि इस साल के अंत में जब हम देखेंगे तो हम लगभग 20-25% ग्रोथ पर रहेंगे रेवेन्यू में और कस्टमर सेगमेंट में। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे एम्प्लॉई दिन रात मेहनत करें। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए देवता की तरह है और वही हमें रेवेन्यू देता है, लेकिन ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम उसकी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।